दिल्ली के बुराड़ी इलाके में अवैध संबंधों के शक के चलते पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। वहीं हत्या करने के बाद आरोपी पति ने पुलिस को गुमराह करने के लिए लूटपाट का ड्रामा रचा, लेकिन पुलिस ने मामले को सुलझाते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मालूम पड़ा कि ये उसके गैर संबंध थे, इसके रिश्ते किसी लड़के से उसके घरवाली के, तो उस चक्कर में उसने हमें तो बताया चोरी के हिसाब से हम आए थे यहाँ पे, हम उसके यहाँ गए थे। उसने बोला कि चोर आए हैं, हमारी घरवाली को मार दिया है उन्होंने, तो हम उसके चक्कर में उसके घर गए। हमने उसकी बात को देखा, तो उसे देख के हमने उसे हिलाया फिलाया भी, तो उसमें जान नहीं थी। फिर हमने 100 नंबर को कॉल कराया। दरअसल ये परिवार पहले सब्जी मंडी इलाके में रहता था और उमेश को शक था उसकी पत्नी के 2-3 लड़कों के साथ संबंध थे, इसीलिए उमेश परिवार सहित वहां से बुराड़ी शिफ्ट हो गया था। दिल्ली से अनिल अत्री, पंजाब केसरी टीवी।